नमस्कार और आदाब। सनीचर अक्टूबर के 20 तारीख पेश है 7 दिन के खबरें। और नामीबो के जो आग लगे हैं, लगभग 2 हफ्ते से यह मामला अभी तक नहीं सुलझाया गया है, आग अभी तक वहां पर जल रहा है। ये मामला जो है इसी सिलसिले में और नामीबो पे तमाम स्कूल जो है सरकार ये तय किए हैं बीते हुए सुख तक ये तमाम स्कूल बंद रहेगा। बहुत से ऐसे स्कूली बच्चे जो है बीमार हो गए हैं, स्कूलों पर लोग उल्टियाँ करने लगे थे, बहुत से लोग डॉक्टर के पास गए हैं, ना सिर्फ स्कूल के लोग लेकिन आसपास की जनता। वहाँ पर मिनिस्टर अंतवान एलियास जो फलसुसंधे का मिनिस्टर है ये बताए कि इन लोगों के गिनती से अब तक लगभग 30 लोग डॉक्टर के पास गए हैं। इन लोगों को सांस लेने में बीमारी थे, केल प्रॉब्लम थे, केल ऑन स्टेकिंग थे। और बच्चे के बाद हम आपको बता चुके हैं, स्कूल पर बहुत से बच्चे इन लोगों को उल्टी हो रहे थे। एक दिलहादसी जो फीस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन के निर्देशन में सरकार का एक दिलहादसी जो है, कुछ लोग जो है, कुछ मिनिस्टर इसमें मौजूद थे, ये सब गए हैं और नामीबो पे वहाँ मामला देखने के वास्ते। वहाँ पर ब्रॉन्थवेयर अभी तक जोर तोर से कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने के लिए। कहा गया है कि ज़्यादा तौर पर ये आग बुझ गया है लेकिन अभी तक वहाँ पर सुलग रहा है कुछ हिस्सों में। और न सिर्फ ब्रॉन्थवेयर लेकिन ओपन बार वर्कन के लोग भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। सरकार कहे है कि एक प्लान फन आन पाक आई है कैसे यह मामला सुलझाने के लिए। और इस वक्त सरकार भी 500,000 SRD का बंदोबस्त किए है ये मामले के वास्ते, ये जो मुश्किल है यहाँ पर ये आग बुझाने के वास्ते। ये सरकार भी कहा है कि अगर ये 500,000 काफ़ी नहीं रहेगा तो सरकार 1 मिलियन पैसा का बंदोबस्त कर सकता है ये प्रॉब्लम हल करने के वास्ते। प्रेसिडेंट देसी बौद्धर ने कहा है कि वो अफसोस करते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है ये इसका फ़ायदा उठाते हैं सरकार पर कीचड़ उठाने के लिए, लेकिन ये सीरियस समस्या है, इस पर सरकार पहला दिन से गौर कर रहा है, ये लोगों को जानना चाहिए। इस वक्त रहेल हादसी जो वहाँ पर गई है उसके बाद कहा गया एक प्लान फन आन पाक है और ये पेश किया जाएगा। स्कूल बंद हो चुका है, सुबह तक स्कूल सब बंद थे और वहाँ पर मिलिटेरन को रखा गया है पहरा डालने के लिए, ताकि जो लोग वहाँ पर जाते हैं जो कचरा है इसमें से सामान ढूंढने के वास्ते, रापर्स जो कहते हैं, इन लोगों को वहाँ पर जाना मना है। मिनिस्टर फॉलक्स हुसैन का और डिस्ट्रिक्स कमिसारिस ऑड्री हंकर्स एंतवान एलियास जो मिनिस्टर है, एंतवान एलियास फॉलक्स हुसैन का और डिस्ट्रिक्स कमिसारिस ऑड्री हंकर्स जो है वानिका शर्त, उसका सोमवार के शाम को ये सब घर घर तक गए थे वहाँ पर लोगों को मंत कप देने के वास्ते। लगभग 5,000 मंत कपन का लोग बंदोबस्त किए हैं यहाँ के जनता के वास्ते। हम आपको बता चुके हैं कि ब्रॉन्थवेयर वहाँ पर जोर तोर से अपना काम कर रहा है। ब्रॉन्थवेयर कमांडेंट राजन झकरी से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिला है कि जब ये आग शुरू हुआ है तो ब्रॉन्थवेयर के लिए ये मुमकिन नहीं था एक ही दम आग बुझाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पहले रास्ता बनाना था जहाँ पर आग लगे थे वहाँ तक पहुँचने के वास्ते। और उस वक्त जब वहाँ पर आग लगी है तो एक ही दम पानी का लोग बंदोबस्त नहीं कर पाए है, बुलडोजर्स और खराब मशीनस जो ज़रूरी था काम करने के लिए यह भी ब्रॉन्थवेयर के पास नहीं है, इसका भी इंतज़ाम करना था। और ये जो मशीन है ये सब दूसरे लोगों के पास लेना था या किराया पर लेना था, इसलिए इसमें कुछ समय लग गया है। ये भी लोगों को जानना चाहिए कि ना ऊपर ज़मीन के ऊपर सिर्फ आग है लेकिन ज़मीन के नीचे तक आग ये सुलग रहा है, तो इसका बुझाना इतना आसान नहीं है। बहुत से ऐसे धुआं यहाँ पर आते हैं और ये भी लोग बताए हैं कि लगभग 10 किलोमीटर के दूरी पर ये धुआं लोग महसूस किए हैं, जैसे प्लास्टिक के जलने का बदबू आ रहे हैं और ये आसपास के लोग भी महसूस किए हैं 10 किलोमीटर के दूरी तक। वैसे लुख्त वेहन के इरीतासी और असमाती से क्लख्तन के बारे में बातचीत हुआ है, लोगों को एलर्जी हुआ है इस धुआं से, ये मिनिस्टर एलियास ने बताई है। एक ब्रॉन्थवेयर का आदमी इनको भी इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजना पड़ा है। कुछ लेयर क्लख्तन स्कूलों पर जो है इन लोगों के सर के दर्द के वजह से लोगों को भी डॉक्टर के पास जाना था।
वैसे लोग काम कर रहे हैं। ये आग जो अक्टूबर के 7 तारीख से ही फॉर अक्टूबर से वहाँ पर लगे हैं, इस पर अभी तक काम हो रहा है। वैसे सरकार ये कहे थे कि आज शनिचर तक ये मामला लोग हल कर देते, लेकिन अभी तक हल हुआ नहीं है। सरकार ये पूरी तौर से कोशिश कर रही है प्रॉम्प्टवेयर के साथ जितना जल्द हो सके ये मामला हल करने को, ये आग बुझाने को। एक लाश पुलिस को मिला है। ये लाश जो है पूरी तरह से खराब हो गए थे। रई वखनार कोपनाम किलोमीतर 81 तख्तख के आसपास में पुलिस से इस लाश को कब्जे में लिए है। ऑब्डक्सी के वास्ते बसलाह में लिए है। पुलिस कलकत्ता का खोजबीन कर रही है और ये खोजबीन जो है अब कपिताल दिलिक्तन अफदेलिंग कपिताल दिलिक्तन जारी कर रही है। ये लाश किसका है अभी तक पता नहीं है। इस आदमी का इडेंटिटी अभी तक पता नहीं है। एक काला रंग का शर्ट और एक काला रंग का ओंदरब्रुक, स्वार्थ शर्ट और स्वार्थ ओंदरब्रुक पहरे हुए थे। पुलिस का पब्लिक रिलेशंस जानकारी चाहते हैं जनता से। अगर आपके पास कोई जानकारी है, कुछ आप बता सकते हैं, आपको पता है आदमी कौन है, तो आप लोग उसी गुजारिश से पुलिस के नंबर पर दिलिक्तन कपिताल दिलिक्तन के नंबर पर तार करने को। फिर तक 36 45 40 27 36 या 40 32 52 पर। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध बीते हुए बुध को स्टार्ट सेन दिए है, शुरुआत किए है। और ये स्टार्ट सेन हुआ है रिहैबिलिटेशन का 79 किलोमीटर रास्ता का। 79 किलोमीटर रास्ता जो है ये मरम्मत किया जाएगा, या असफालतेर होगा या हेर असफालतेर होगा। और हम बात करते हैं यानी जो कोरोनी में है से लेकर हेनार निकेरी में रास्ता बनाया जाएगा। यह ओस्ट वेस्ट फॉरबिंडिंग का एक हिस्सा है और इंटरनेशनल नॉर्मल इंटरनेशनल मार्स्टाफन तक ये तैयार होना चाहिए। इसके लिए 2 साल लोग निकाले हैं ये काम के वास्ते। वैसे ये पूरा मारावेन से निकेरी तक ओस्ट वेस्ट फॉरबिंडिंग जाते हैं और ये रास्ता मरम्मत करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा तौर पर हिस्सा हिस्सा ये रास्ता जो है ये बहुत ख़राब है। मिनिस्टर पैट्रिक पेनल जो ओपन बार वर्कन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का है, ये बताई है कि इस काम के वास्ते लगभग 80 मिलियन यूएस डॉलर खर्चा होगा, तख्त मिलियन यूएस डॉलर। और इनका कोलिगा फिनंसियन का गिलमोर हुफ्द्रात कहे है कि ये पैसा का बंदोबस्त वो करेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो है ये बैताली ग्रुप एनफी करने वाले है। ये काम बैताली ग्रुप एनफी को मिला है। पेंगल कहते हैं कि कुल मिलाकर 53 किलोमीटर रास्ता बनाया जाएगा जो इस वक्त काफ़ी ख़राब है। इसको फिर से असफालतेर किया जाएगा। इसमें सभी काम जो है होगा, जैसे कि ऑप्सोनिंग, फरब्रीदिंग, अफवातरिंग, असफाल्ट लाख नया लगाया जाएगा और तमाम पुल जो है ये सब भी मरम्मत किया जाएगा। ये रास्ता जो है ख़ास तौर पर आर्थिक बरहंती के वास्ते, यानी इकोनॉमी से उत्विकलिंग के वास्ते, तरक्की के वास्ते ये बहुत ज़रूरी है। देश के तरक्की के वास्ते ये रास्ता बनाना ओस्ट वेस्ट फॉरबिंडिंग जो ओस से लेकर वेस्ट या वेस्ट से लेकर ओस तक जाते हैं, मारवेन से लेकर निकेरी तक जाते हैं, इसका ठीक होना यह बहुत ज़रूरी है। पुलिस एक हादसा जो हुआ है इसके बारे में जानकारी दिए है। ओस्ट वेस्ट फॉरबिंडिंग पर यह हादसा बीते हुए बुध के दिन में लगभग 2 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है। और इस हादसे में एक मोटरगाड़ी हादसा जो है इसमें 4 लोग मारे गए हैं। वारीदी मारसाम फीरन फेर तहियार काफबी पोनीरेन 55 यार स्टुअर्ट सिंगो रेजो 51 यार और पायरेन जोदी क्रोमो 65 यार। बुध को लारेकोवह इलाका सारामाका पर यह हादसा हुआ है। ये 4 लोग एक पिकअप में मौजूद थे। ये कटिया लगाने के लिए 4 दोस्त गए थे और रास्ते में इन लोगों का एक हादसा हुआ है। एक फ्रख्त वाहन से इन लोगों का पिकअप टकराया है किलोमीटर सेफ नंदर तक के आसपास में। इस हादसे में यह फ्रख्त वाहन बस्तूदर जो है 48 यार का आदमी, इसको कुछ नहीं हुआ है। इसका बयान लेने के बाद पुलिस इसको वापस घर भेज दिए है। इनका जो रेबवेस खालद रेबवेस था पुलिस ले लिए है और इनके वापस घर भेजा गया है। यह पब्लिक रिलेशंस पुलिस का है, जानकारी यहीं से मिला है। दूसरा जो हादसा हुआ है ओस्ट वेस्ट फॉरबिंडिंग इलाका कॉमवेन में, जहाँ पर 5 साल का एक लड़का
फर्नांडोस खाटफो का देहांत हो गया है। ये अचानक से रास्ते पर सड़क पर आ गई है, दौड़ते हुए आई थी अपनी बहन के साथ। ये ऑटो बिस्तुत जो है इनके बहन को बचा पाई है, लेकिन इस 5 साल के लड़का को बचा नहीं पाई है, जाकर इसको धक्का लगाया है। और ये 5 साल का फर्नांडो जो है स्कतफो, इनके देहांत वहीं पर हो गया है। सिनाबो के आसपास यह हादसा हुआ है। ये आदमी बताते हैं कि ये पूरे तौर से कोशिश की है इसको बचाने के लिए, लेकिन इसमें कामयाब नहीं रहा। पुलिस जो है वहां पर आई है, रेप वैसी आदमी का ले लिए है और इनको भी घर भेजा गया है। फिरकेश डोडा आंताल इस साल के वास्ते 60 पर आकर पहुंच गए हैं। फिरकेश बारोमीटर इस साल का 60 पर आकर पहुंच गए हैं। सीनिया नगामा 10 दिन के बाद हॉस्पिटल में इसके देहांत भी हो गई है। उस वेस्ट फॉर बेंडिंग पर इनका हादसा हुआ था 10 दिन पहले। पेपर पोत्सेती, जहां इलाका कोमोवेन में पेपर पोत्सेती है, यहां पर यह हादसा हुआ था। सेशन 16 यार का सीनिया नगामा मंगर 16 तारीख अक्टूबर को ये हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया है। ये बुरी तरह से घायल हुए थे जब यह हादसा हुआ है। यह फिट्स पर था और एक ब्रॉम फिट्सर इनसे जाकर टकराई है। ये घायल हुए थे, इनको लोग स्पुत ऐसन दोहल में दाखिल किए थे इलाज के वास्ते, लेकिन बीते हुए मंगर को 10 दिन बाद इनके देहांत हॉस्पिटल में हो गया है। इनके लाश जो है ऑटोप्सी के वास्ते पुलिस कब्जे में भी ले लिए है। चीनीस इमिग्रेसी के मौके पर सुक 19 अक्टूबर को 17 लोग डेकोरेयर हुए हैं। इन लोगों को पुरस्कार मिले हैं, इन लोगों का सम्मान दी गई है। चीनीस इमिग्रेसी के मौके पर जो इस साल 165 साल हो रहे हैं, तो इसी मौके पर इन लोगों को याद किया गया है। इन लोगों के अच्छे काम के वास्ते, नेक काम के वास्ते, दो देश के वास्ते ये सब किए हैं। 165 साल से चाइनीज लोग सूरीनाम देश में अपना मदद करते हैं, काम करते हैं, बहुत से लोग नाम कमाए हैं और इस देश के तरक्की में लोग का हाथ था। 11 लोग बनु हुए हैं रेडर इन द एयर और द फन द पालम, 4 लोग ऑफिसियर इन द एयर और द फन द पालम और 2 लोग कमांडर इन द एयर और द फन द पालम। कुसवैन ब्रोह जो है ये आने वाले दो हफ्ते पूरा तौर से बंद की जाएगी यातायात यानी फरकेर के वास्ते, क्योंकि यहाँ पर मरम्मत का काम होगा। सोमवार 22 तारीख अक्टूबर को शाम 5 बजे से 20 नवंबर के पहली तारीख तक ये जो कुसवैन ब्रोह है यह बंद रहेगा यातायात के वास्ते। जो लोग इस कुसवैन ब्रोह यानी इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, आप लोगों से गुजारिश की जाती है इस पर गौर करने को कि ये पुल बंद रहेगा, कुसवैन ब्रोह बंद रहेगा। आप लोगों से निवेदन गुजारिश की जाती है दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए अपने मंजिल तक पहुँचने के वास्ते। स्टेफन कॉम्फालियस जो 1 महीना तक वर्नेमन डायरेक्टर था बेओखे का, ये इनको इस्तीफा दी गई है या ऑनस्लाग से गए हैं। यह पेशेवर डायरेक्टर था एसएटएफ स्टाट्स सिकन फोन्स का। अस्त्रास या वार्नर इस वक्त वार्नेमिंग पर फिर से वहां पर बैठे, क्योंकि कॉम्फालियस से पहले वहां पर वार्नेमिंग में ये बैठे थे और यह फिर वार्नेमन डायरेक्टर बेओखे के हो गया है। लेस्ली रेसिदा करीबन 1 साल पहले डायरेक्टर जो था बेओखे का, ये जब से पेंशन में गए हैं, वार्नर वहां पर बैठक लिए थे वार्नेमिंग में। उसके बाद 18 सितंबर को स्टेफन कॉम्फालियस को वहां पर डायरेक्टर ठहराया गया था। नहीं पता है क्या हुआ है, क्यों इनको लोग इस्तीफा दिए है, लेकिन वहां से 1 महीने के अंदर स्टेफन कॉम्फालियस को लोग फिर वहां से भेज दिए है, इनको अनसलाह मिला है। एक बिजोंद्र ओपनबार फ्रखादरिंग लगाया गया है देना यानी पंचघर में बीते हुए बीफे को, और यहाँ पर लोग अलविदा कहे है फेहापे का पार्लियामेंटारियर शैलेंद्रा गिरजा सिंह को। इसके याद में यह खास सभा पार्लियामेंट में लगाया गया है। यह ऐसा पहली मतवा हुआ है कि एक स्वतंत्र पार्लियामेंटारियर इसके देहांत हुआ है। सभी फ्रॉक्सिस जो है अपना कॉन्डोलियांस पेश किए हैं, अपना गमी का इजहार किए हैं, और अपने भाषण के दौरान सभी फ्रॉक्सिस के लोग जो है शैलेंद्रा गिरजा सिंह के बारे में खास बातें किए हैं। बहुत से मेहनती
इंसान था, सुशाल बबो खमेंस, बहुत से लोगों को हमेशा मदद करता था और कुछ कहने से कभी वो पीछे नहीं हटता था, वो कभी डरते नहीं थे बातें सामने लाने से। असेंबली का फोर्सिटर येनिफर सिमोंस जो है ये कहते हैं ये काफ़ी क्रिटिस पर्सन था, हमेशा अपना बातें जो वो कहना चाहते थे वो कहते थे। और फेहा पे अश्विन अधीन ने भी कहा है कि शैलेंद्रा गिरजा सिंह वो ऐसा आदमी था जो देश को आगे ले जाने में हमेशा अपना हाथ बटाते थे, ख़ासतौर पर अपना इलाका जहाँ पर वो रहता था कोमवेन के लिए वो आवाज़ उठाते थे और कोमवेन के लिए वो काम करते थे। सुरीनाम देश का एक बेटा खो गया है हमेशा के लिए, वो अपना दिल से देश के लिए काम किए हैं, देश के तरक्की देश में लाने के लिए काम वो किए हैं। शैलेंद्रा गिरजा सिंह का दाह क्रिया बीते हुए बुध अक्टूबर के 17 तारीख को की गई है। काफ़ी जनता मौजूद था फेहापे के होफ क्वार्टर में, वहाँ पर इनको आखिरी बार सलाम करने के वास्ते एक फरदिनस्ता स्टिक्टिंग द ओलिफेंट में। आज 20 तारीख अक्टूबर जो है शेनेसा एमिग्रेसी के 165 साल 165 यार हो रहे हैं, तो यहाँ से हम खास मुबारकबादी सुरीनाम देश के पूरा जनता खास तौर पर चाइनीज लोगों को देते हैं। 165 यार हिंदुस्तान से एमिग्रेसी के मौके पर हर एक को बहुत से मुबारकबादी और बधाइयाँ हम पेश करते हैं। यहाँ तक 7 दिन आज के वास्ते। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।